देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। यूपी में महिला सुरक्षा के लिए योगी सरकार बढ़ी सकते हैं, पर जिले के अधिकारियों की लापरवाही के चलते उसका खामियाजा बहन बेटियों व महिलाओं को उठाना पड़ता है। एंटी रोमियो, महिला हेल्पलाइन जैसे तमाम योजनाएं सरकार चला रही है, इससे सभी महिलाएं बेटियां अपने आप को सुरक्षित महफूज समझें, पर जिलों की बात करें तो वहां पर बैठे अधिकारी इसका पालन सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से हर रोज कहीं ना कहीं लड़कियों के साथ रेप गैंगरेप जैसी घटनाएं हो रही हैं। एक ऐसी ही घटना कानपुर देहात से सामने आई है, जहां शौच के लिए घर से निकली नाबालिग छात्रा को गांव के ही दो लड़कों ने अपनी हवस का शिकार बना डाला। मामला मंगलपुर थाना क्षेत्र के दया का पुरवा का है, जहां बीते शुक्रवार की शाम को घर से शौच के लिए निकली कक्षा 6 की नाबालिग छात्र को गांव के ही पूर्व प्रधान का बेटा गोल्डू अपने एक साथी के साथ मिलकर छात्रा को रास्ते में दबोचकर उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। पीड़ित की मां की माने तो घर वालों को इसकी जानकारी तब हुई जब बेटी जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी घर वालों ने वहां जाकर देखा कि बेटी के हाथ रस्सी से बंधे हुए थे और वो बेसुध चिल्ला रही थी। मामला रात को हो जाने पर परिजन दूसरे दिन थाना न्याय की आस में पहुंचे तो मामला गैंगरेप का होने पर पुलिस ने आनन फानन में मुकदमा दर्ज कर पीड़िता को जिला अस्पताल मेडिकल के लिए भेजा। इस मामले में पीड़िता डरी सहमी होने की वजह से कुछ नहीं बोल पा रही है। वहीं इस मामले में एडिशनल SP अनूप कुमार ने बताया कि मंगलपुर के दयाका पुरवा गांव कक्षा 6 की नाबालिग छात्र के साथ रेप हुआ है। लड़के गांव के ही पड़ोसी के ही हैं। मुकदमा दर्ज कर पीड़ित का मेडिकल करवाया जा रहा है। 164 का बयान पीड़ित कराया जाएगा। लड़कों के लिए दबिश दी जा रही है। जल्द ही पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज देगी। ये बालिका ही है, 12-13 वर्ष है और कक्षा 6 की छात्रा बताई जा रही है। और इसमें दया का पुरवा गांव मंगलपुर का है, वहाँ का ही अभियुक्त है। पड़ोस में इसके रहता 100-150 मीटर इसके बालिका के घर के पास उसका घर है लड़की का। और कल ये रात की घटना बताई जा रही है जब इस बच्ची के साथ इसने दुराचार किया है। और ये लोग थाने पर आज दोपहर के बाद आए, उनके द्वारा जो है तहरीर की है उसके तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और बच्ची का मेडिकल कराया जा रहा है और परीक्षण कराने के बाद उसका 164 का बयान लिया जाएगा। अभियुक्त की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है और जल्द ही अभियुक्त को गिरफ्तार कर दया करो। हमारा नाम सुनीता। ये कौन है बच्ची? हमारी लड़की है। क्या हुआ इसके साथ? इसके साथ कल 8 बजे वो लेटरिंग गई थी और वहाँ गोल्डू नाम का लड़का है, उसने उसको जबरदस्ती ले गया वहाँ पकड़ के और उसके साथ गलत काम किया है। और जब उसके हाथ बांध दिए और जब वो कसके से लानी तब हम लोगों ने जाना और फिर जब हम लोग भागे तब उसको पकड़ के लाए। और जब उसको पकड़ा तो वो हमको धमकी देने लगे, लड़की धमकी देने लगे कि जान से मार डालेंगे और अगर किसी को बताया तो। थाने गई थी? हाँ। क्या कार्रवाई की पुलिस? कार्रवाई हो रही है, उन्होंने मेडिकल के लिए भेजा। तो क्या दबंग किस्म के लोग हैं क्या वो धमकी दे रहे हैं? दबंग है क्या जो धमकी दे रहे हैं? हाँ, धमकी दे रहे हैं कि जान से मार डालेंगे अगर कार्रवाई कोई की। कितने पढ़ती है बच्ची? 5 के पेपर दिए थे, अब 6 में जाएगी। कानपुर देहात से संवाददाता आकाश श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी क्राइम न्यूज। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग।